तो जब मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहा था ना, तो एक स्टूडेंट को बात समझ में आई। वो कहता, देखो सर, आप एक बार मैग्नेट पढ़ा रहे हो। मैंने कहा हाँ। कहते हैं डायपोल मोमेंट होगा? मैंने कहा हाँ होगा। ठीक। उसने कहा कि बार मैग्नेट कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा, जो चीज़ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है या प्रोड्यूस करती है उसको मैग्नेट बोलते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बोलते हैं। तो फिर बोला, इसका आंसर दो। मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये लो, और जिसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट है। ये भी तो बी जनरेट करता था। कहाँ? एक्सिस पे करता था, सेंटर पे करता था। तो तुमने इसको मैग्नेट क्यों नहीं बोला? ये भी तो मैग्नेट है। और अगर मैंने पूछा वो क्यों, क्योंकि वो कहता आप ही ने बोला ना, जो बी जनरेट करता है वो मैग्नेट है। और सही बात भी है, जो बी जनरेट करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाएगा, यहाँ पे मैग्नेट प्रेजेंट है। तो फिर कहता है इसने भी तो किया, एक महीने से कर रहा है ये, तो ये कौन सा आज से कर रहा है, तो फिर इसको क्यों नहीं मैग्नेट बोला? मैंने कहा बोल ले। तो बिल्कुल बोल, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी इससे बनती है, सही है, तो इसको मैग्नेट बोल। कहता ठीक है, अब मैं आज के बाद इसको मैग्नेट बोलूंगा तो फिर इसके पोल्स बताओ कहाँ होंगे। तो फिर ये फैसला हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आपको कहीं पर करंट क्लॉकवाइज दिखे, सोलेनोइड याद करो, क्लॉकवाइज दिखे तो वो साउथ पोल हो जाएगा, और तुम्हें अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो वो एंड नॉर्थ पोल हो जाएगा। सही है यहाँ तक? तो मैंने कहा ठीक है, ये बात भी सही है। तो देख, तेरे को अगर करंट ऊपर से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो तू नॉर्थ बोल दे और नीचे को साउथ बोल दे। तो वो बोला कि नॉर्थ पोल साउथ पोल एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं कि ये सिर्फ कंपैरिजन है? ये सिर्फ कंपैरिजन है, क्योंकि बी जनरेट हो रहा है तो वो मैग्नेट है। अब मैग्नेट है तो किसी को बताना पड़ेगा कि पोल्स हैं। वो नहीं बोलेगा तो फिर बी कैसे पैदा हो गया? तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मैं इसको मैग्नेट अपने मन में मानूं, तो फिर पोल्स, अगर वैसी सोचूं कि इसके पोल्स क्या होंगे, क्लॉकवाइज वाला करंट नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ बन जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज साउथ बन जाएगा। उसने कहा ठीक है, यहां तक मैं एग्री कर गया, मैंने सुना हुआ ये चीज। फिर बोलता है, एक काम करो, आप बस मुझे ये बताओ इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। मैंने कहा मैग्नेटिक डायपोल वो तो बार मैग्नेट का होता है, स्मॉल एम इनटू 2L। अच्छा, फिर बोला इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी। भाई तुमने पोल्स बोले हैं तो पोल स्ट्रेंथ भी तो होती होगी। मैंने कहा देख, अब ज्यादा हो गया, करंट कैरिंग वायर के पोल्स तो तूने इमेजिन कर लिए, अब मैं पोल स्ट्रेंथ होना बताऊंगा? ये कोई बार मैग्नेट थोड़ी ना है कि ये, क्योंकि वायर तो टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं कैसी होती है, मोटी पतली, शेप भी चेंज कर लेगी, उसके पोल्स कैसे दिखाऊंगा? पूरी वायर पे कैसे पोल दिखा दूं? दिखा नहीं पाऊंगा। फिर कहता कि दिखा नहीं पाओगे ना, फिर आज के बाद मत बोलना ये मैग्नेट है। पर मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि तो बी पैदा करता है, बोलना तो पड़ेगा ये मैग्नेट है। तो फिर कहता ठीक है, फिर बताओ इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है। अगर ये है तो कैपिटल एम भी होता होगा। भाई जब तुमने बार मैग्नेट का कैपिटल एम डायपोल मोमेंट जनरेट किया, उसके दो पोल्स लिए, तो ये भी तो डायपोल हो गया ना, तो इसके भी पोल्स जनरेट किए। मैंने कहा चल एक काम कर, तू मन में मान ले, मन में मान लियो क्या कि ये इक्वलेंट टू एक मैग्नेट ही है। ऐसे मन में मान लियो, एक बार मैग्नेट है जिसका ऊपर का पोल नॉर्थ है और नीचे का साउथ है। भाई मन में मान रहा है, मैग्नेट मानना है तो कुछ मानना ही पड़ेगा, वर्चुअल मैग्नेट, क्योंकि बी जनरेट हो रहा है ना। तो कहता ठीक है, मैंने मान लिया, अब फिर बताओ इसके पोल्स की वैल्यू क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, और इसका कैपिटल एम क्या होगा, मुझे बस इसका आंसर दे दो। अब मैं बिल्कुल पूरी तरह कन्विंस हो जाऊंगा कि ये पक्का मैग्नेट का इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब यहां तक तो पहुंच ही गए हैं, फिर आगे भी कर लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रूल है, बार मैग्नेट का कैपिटल एम अगर आपने निकालना है, तो बार मैग्नेट का जो कैपिटल एम है उसकी वैल्यू क्या निकलती है, स्मॉल एम इंटू 2L। बार मैग्नेट का कैपिटल एम अगर आपने निकालना है, स्मॉल एम इंटू 2L, लेकिन करंट कैरिंग वायर का अगर आप कैपिटल एम निकालोगे तो तुम मुझसे स्मॉल एम पूछोगे, और स्मॉल एम तो मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। तो फिर कैपिटल एम निकालने का तरीका सुन लो, करंट कैरिंग वायर में कैपिटल एम निकालने का तरीका स्मॉल एम इंटू 2L नहीं होता। क्या होता है? करंट इंटू एरिया होता है। नया फॉर्मूला, फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। अब ये कैसे आया, या किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट ही निकाला कि अगर जितना ज्यादा इसमें करंट होगा उतना ही बी स्ट्रांग होगा, उतना ही स्ट्रांग मैग्नेट होगा, उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा।
और जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, लाइन ज़्यादा निकलेंगी उसमें से, तो कैपिटल एम ज़्यादा होगा। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया और ये फैसला हो गया, अगर करंट कैरिंग वायर है उसका डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला बार मैग्नेट से डिफरेंट है। बार मैग्नेट का क्या है, स्मॉल एम इंटू टू एल, और करंट कैरिंग वायर का क्या है, करंट इंटू एरिया। फिर वो कहता है एक काम करो, इसमें दो लूप बना दो तो बी तो बढ़ जाएगा, तीन बना दो बी बढ़ जाएगा, दस बढ़ा दो बी बढ़ जाएगा, तो फिर एम भी तो बढ़ेगा। तो लो फिर मैंने कहा ये भी नोट कर लो कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, अगर 10 टर्न्स हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो कैपिटल एम 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यानी कि कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या बन गया, करंट इंटू एरिया इंटू एन बन गया। तो नोट करना है ये, तो बार मैग्नेट का कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू टू एल है, और करंट कैरिंग वायर का कैपिटल एम क्या है, करंट इंटू एरिया। और क्योंकि कैपिटल एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर, तो मुझे एरिया वेक्टर पे क्या लगाना पड़ा, वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में एम वेक्टर भी है, कोई डाउट इसमें? तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए, बार मैग्नेट के केस में कैपिटल एम निकालने का फॉर्मूला स्मॉल एम इंटू टू एल, और ऐसी अगर सपोज करो करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट इंटू एरिया, दोनों एंटायरली डिफरेंट है, दोनों का तरीका डिफरेंट है, तो दो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। लेकिन एक दो न्यूमेरिकल मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सोलेनॉइड है, हर टर्न को वो बार मैग्नेट की तरह तोड़ देता है ताकि अपना क्वेश्चन इजी बना सके, बट एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, 100-200 में से एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये अलग न्यूमेरिकल हैं, वो अलग न्यूमेरिकल चलते हैं, पर मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, ऐसा कंपेरिजन हो सकता है। तो अब इस मैग्नेट का वो समझ गया, कैपिटल एम निकल गया, कैसे निकल गया, करंट इंटू एरिया। तो जो अपने अपनी मैग्नेट बना के बैठे हैं अपने उसमें उसमें ख्यालों में कि ऐसी मैग्नेट होती होगी, उसका कैपिटल एम का फॉर्मूला चेंज कर दिया, अब वो इस वर्चुअल मैग्नेट की स्मॉल एम की वैल्यू भी निकाल लेगा। अगर वो मैग्नेट की लेंथ 12 मान ले तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम इंटू, तो पोल स्ट्रेंथ भी निकाल लेगा। लेकिन ये अपनी विचारों में अपने सपनों में निकाल रहा है कि ऐसी मैग्नेट होती होगी जिसकी ये पोल स्ट्रेंथ होती होगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, रियलिटी में तो यही होता है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट बनाना हो किसी मैग्नेट को तो ऐसे बनती है मैग्नेट, ये मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तो कैपिटल एम निकालने के हमारे पास दो ही तरीके हैं, बार मैग्नेट में बता दिया स्मॉल एम इंटू टू एल है, और कैपिटल एम इसमें बता दिया करंट कैरिंग वायर में करंट इंटू एरिया है। अब लास्ट स्टेप ये भी सुन लो, कैपिटल एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बार मैग्नेट में कैपिटल एम की डायरेक्शन क्या होती थी, साउथ से नॉर्थ, तो फिर करंट कैरिंग वायर में क्या होती है। अब ये भी तो प्रॉब्लम है, या तो ऐसा करो साउथ देखो नॉर्थ देखो, साउथ से नॉर्थ मत करो, एक शॉर्टकट है ये देखो, करंट अगर आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है या चलो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, तो तुम अपनी राइट साइड की चार फिंगर करंट के साथ घुमा दो। तुम कहोगे तो बी निकालने का तरीका याद करो बाइट सबेट लॉ में, यही तरीका एम का भी यही तरीका है, तो अच्छा इशू करने या रूल नहीं है। तो करंट के साथ चार फिंगर घुमाओ, थंब कहाँ आएगा, ऊपर, तो एम वेक्टर भी कहाँ है, ऊपर। तो बहुत सिंपल है, तो अगर चार फिंगर करंट के साथ घुमाओगे एम वेक्टर आ जाएगा, अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है एम नीचे, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एम ऊपर। तो करंट कैरिंग लूप में कैपिटल एम का फॉर्मूला समझ में आ गया, कैपिटल एम की डायरेक्शन भी आ गई, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक?